हे गाइज, वेलकम टू डिजिटल रब्बानी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक में बैलेंस कैसे चेक करते हैं, यानी कि आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में कितना बैलेंस अभी बाकी है वो कैसे चेक करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। तो आप भी जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक में बैलेंस कैसे चेक करते हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसीलिए देखते रहिए लास्ट तक, और आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, और आपने अभी तक डिजिटल रब्बानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जब भी ऐसी कोई वीडियो लेके आऊँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना एयरटेल ऐप को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ भी दिख रहा है मेरे में एयरटेल ऐप है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका नेट कैसे काम करा उस हिसाब से ये ओपन होने में टाइम लगेगा। ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका नंबर भी शो हो जाएगा, और यहाँ से आपका इसमें जो रिचार्ज करा है वो सब भी यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ कॉर्नर पर देख रहे हैं वॉलेट के निशान के पास मेरे में बैलेंस हो रहा है ₹177 है। तो यहाँ पर आपको ऊपर में शो हो जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं शो होता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ से देख रहे हैं सबसे नीचे में है बैंकिंग, तो हम बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ से बैंकिंग पे क्लिक कर लेते हैं। बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं मेरे में कितना रुपया है वो यहाँ पे शो रहा है, यानी कि ₹177.69 है। तो यहाँ से आपका शो हो जाएगा, और सेविंग अकाउंट है, यहाँ से सेविंग अकाउंट भी लिखा है। तो इस तरह से आप एयरटेल पेमेंट बैंक में बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्नेटिक के साथ।